इधर से कुदा देते हैं। ऊपर है चर्च वॉल्यूम वहां पे माउंटेन के, वह फंसे आ गया प्लेटफॉर्म पे। अबे जल्दी निकल, ट्रेन आ रही है, टक्कर लगेगी। वह फंस गया ट्रैक्टर नीचे। ये वेलकम है फार्मिंग सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में, और ये वाला एपिसोड फार्मिंग सिमुलेटर का इस फार्म वाला, ये सबसे पहले वाला फार्म है। इसका जो है काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि इसके मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था कि मैं इस फार्म को अपग्रेड करने वाला हूँ, इस पर काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह लगाने वाला हूँ, और थोड़ा सा जो है पिग बार्न और शीप बार्न को मुझे मूव करना था, वो मैंने पहले ही मूव करे थे, और उसके अलावा थोड़े बहुत चेंजेस करने थे ताकि मैं अपने फार्म को एक्सपेंड कर सकूँ। वो सारे चेंजेस मैंने कर लिए हैं और अब ये फार्म एक्सपेंड हो चुका है, और मैंने जो रेल लाइन के दूसरे साइड वाला खेत था वो भी सेल कर दिया है, क्योंकि उस साइड जो है काफ़ी अलग पड़ रहा था, तो वहाँ की जगह अब मैं जो है सामने दूसरी साइड खेत लेने वाला हूँ, जहाँ पे वो माउंटेन्स वाला रीजन आता है। एक बार मैंने दिखाया था कि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा सीनिक है, तो मैं अब खेत वहाँ पे परचेज करूँगा। बाकी वाला जो अपना शहर था जिसमें मैंने कार पार्किंग बना रखी थी, इसको भी मैंने डबल कर दिया है। पहले सिर्फ ये एक शहर था, अब मैंने ये दूसरा शहर भी इससे जोड़ दिया है, तो मतलब यहाँ पे कार्स का स्पेस डबल हो गया। तो ये दो शहर हैं जो आपस में मैंने मिला दिया है, पर ये दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। और यहाँ से तो मैं सारे ग्रीन हाउस पहले ही हटा चुका था, वो ग्रीन हाउस मैंने अब जो पीछे लगाए थे वहाँ से भी हटा दिए। अब ग्रीन हाउस के लिए देखना पड़ेगा, ग्रीन हाउस के लिए एक और नई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। और बाकी मैंने अपना जो फार्म हाउस था वो भी चेंज कर दिया, एक बार मैं फार्म हाउस पे दिखा देता हूँ। और ये जो नया वाला फार्म हाउस है ये काफ़ी ज़्यादा सही है, इसके अंदर गाड़ियों की पार्किंग भी है। तो ये वाला अपना नया फार्म हाउस है, और जो पहले वाला फार्म हाउस था वो भी काफ़ी सही था, बट उसमें अंदर गाड़ियों की पार्किंग नहीं थी। इसमें अंदर ये एक्चुअल में तो पार्किंग का स्पेस नहीं है, एक्चुअल में तो शायद किसी एनिमल को रखने का स्पेस है, बट मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि यहाँ पर मैं हॉर्स रख सकता हूँ या पिग रख सकता हूँ। हॉर्स तो मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, और ये वाले गेट भी अभी खुले ही नहीं है। मैंने दूसरी साइड से ट्राई किए थे, यहाँ पर ये गेट भी जो है खुलते नहीं है। अगर ये गेट खुल जाते तो मैं शायद यहाँ पे पिग वगैरह रख लेता, बट यहाँ पे कुछ है नहीं है ऐसा। तो अभी बाद में देखेंगे इस वाले फार्म हाउस में यहाँ पे क्या रख सकता हूँ। बाकी मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रखी है, और यहाँ पे इजीली दो गाड़ी तो आ सकते हैं। हाँ, दो ही आ पाएंगी, दो से ज़्यादा तो नहीं आ पाएंगी। फिलहाल इस वाली गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस गाड़ी को तो फिलहाल यहीं छोड़ देता हूँ बाहर निकाल के, और अभी बाद में डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ पार्क करनी है, क्योंकि अभी तो वहाँ पे पार्किंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और जितना पहले था उससे ज़्यादा मैंने डबल कर दिया है। अभी डबल इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी सारी नई गाड़ियाँ ऐड हुई हैं, और सारी की सारी मैं परचेज करने वाला हूँ। फिलहाल मैं और चीज़ें दिखाया था मैंने और क्या क्या चेंज किया है यहाँ पे। इस साइड तो इतना चेंज नहीं है, वहाँ सामने की साइड काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इधर ये अपनी डेयरी और बेकरी तो पहले से थी, अब मैंने यहाँ पर जो है ये बाउंड्री बना दी है, और बाउंड्री बना के ये वाला एरिया बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। और यहाँ पर अभी मैं कुछ क्रॉप लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये खाली जगह पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फील्ड छोड़ दिया, यहाँ पर मैं कोई क्रॉप लगा लूँगा। और उसके अलावा यहाँ से एक ये एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस से इधर आने के बाद ये वाला एरिया मैंने सेपरेट कर दिया है। ये वाला सारा का सारा कमर्शियल एरिया है, जहाँ पे जो है मैं चीज़ों को सेल करूँगा। ये सारा प्रोडक्शन एरिया हो गया, इधर भी प्रोडक्शन एरिया है, और इधर सारा सेलिंग एरिया है। ये अपना सुपर मार्ट है, जहाँ पर मैं कुछ भी चीज़ें सेल कर सकता हूँ। और सामने ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई है, कुछ व्हीकल्स हैं, ये कस्टमर्स के व्हीकल्स हैं यहाँ पे। और इस मैंने ये रेस्टोरेंट लगा दिया, और ये रेस्टोरेंट अभी जो है ओपन नहीं हुआ है। एक्चुअल में पिज़्ज़ेरिया है, ये पिज़्ज़ा का स्पेशल रेस्टोरेंट है, और इसमें यहाँ पर अंदर भी काफ़ी सारी जगह है इधर बैठने के लिए। और ये इधर से इसकी एंट्रेंस है, ऊपर भी इसका बैठने का काफ़ी सारा है, और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। इधर भी थोड़ा सा खेत का ये रह गया, ये मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा खेत वाली फीलिंग आनी चाहिए कि ये रेस्टोरेंट खेत के बीच में है। तो यहाँ पे मुझे भी थोड़े से प्लांट्स वगैरह और लगाने हैं, तो वो मैं लगा ही देता हूँ। कि ये जो मैंने पत्थर की दीवार बनाई है, इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 5-6 प्लांट्स और लगा दूँ। तो अभी देख लेते हैं प्लांट्स में क्या क्या अवेलेबल है। तो प्लांट्स में तो बुश ही है, बट छोटे वाले ट्री होंगे, छोटे वाले ट्री देख लेता हूँ। छोटे वाले ट्री में ये पॉपुलर वाले हैं, ये पॉपुलर के तो मैंने यहाँ लगा ही रखे हैं। और ये विलो है, और ये स्प्रस है, नहीं ये भी नहीं, कोई और, ये ठीक लगेंगे या फिर ऐसा, ये लार्ज स्टोन पाइन शायद ठीक लगेगा, इसको लगा के देख लेते हैं। ये काफ़ी ऊंचा भी है, और इससे इतना फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, मतलब व्यू नहीं रुकेगा यहाँ से। और यहाँ पे 3 और एक इधर लगा देता हूँ, 4 और एक 5, इतने सफिशियंट हैं। ये लग गए ट्रीज, ये ट्रीज काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, और अब ठीक लग रहा है यहाँ पे। बाकी घास वगैरह लगानी है, और ये नीचे अभी तो मिट्टी है, इसको भी देखेंगे, इसको बाद में सही करेंगे। और अभी ये कुछ जगहों से ऊंची नीची रह गई, क्योंकि पहले यहाँ पे खेत था, खेत मैंने हटा के यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट लगाया है। और बाकी अब सिर्फ एक ही खेत बचा है, क्योंकि सारे खेत मैंने सेल कर दिए हैं, इसीलिए बैलेंस अभी 11 लाख से ऊपर है। सिर्फ एक ही खेत छोड़ा है, वो खेत है सामने वाला, जो सामने वाला खेत है। एक मिनट, मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी कोई व्हीकल नहीं है, मैं गाड़ी ले आता हूँ एक बार। ये सबसे छोटी गाड़ी जो है इसको लेके चलता हूँ, ये तो मैंने चलाई ही नहीं है, ये ऐसी खड़ी हुई है, सामने वाले खेत तक जा रहे हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है, इसको भी कभी कभी चला लूँगा। और ये बिल्कुल साइलेंट है, आवाज़ तो करती ही नहीं है। और इधर की साइड मैंने यहाँ पे शेड लगा दिया है, ये शेड जो है छोटे मोटे व्हीकल्स के पार्किंग के लिए है, मतलब मेनली इलेक्ट्रिक वाले या फिर कुछ और छोटे ट्रैक्टर भी हैं, मतलब CNG वाला जैसे,
उन सबकी पार्किंग के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, और बाकी बड़े ट्रैक्टर्स के लिए तो सामने है ही वो पार्किंग। और इधर वैसे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है यहाँ पे। मैं अब सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक जो बड़े वाला काउ बान आया है जिसमें 400 प्लस काउस आ सकती हैं, वो वाला लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है काउस के लिए। और अभी तो यहाँ पे इस गाड़ी को उतारने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। इधर से कुदा देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये एक खेत है जो मैंने रेडी कर रखा है नेक्स्ट क्रॉप लगाने के लिए। वो क्रॉप मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, अभी देख लेंगे सीजन के हिसाब से। तो अब चलना है आगे की तरफ, और वहाँ पे जाके मुझे एक खेत परचेज करना है। एक बार मैं यहीं से देख ले रहा हूँ खेत कितने का मिल रहा है, और अगर खेत सही रेट में मिल रहा होगा तो मैं अभी परचेज कर लूँगा। और बाकी उसके अलावा एक दो गाड़ियाँ नहीं आई हैं, वो भी आज परचेज करनी है। पहले खेत देख लेते हैं खेत कितने का मिल रहा है। तो वो लोकेशन वो वाली है जहाँ पे ग्रेन मिल है, और वहाँ पे एक पुरानी सी बिल्डिंग भी है जो मैंने एक वीडियो में दिखाई थी कि वहाँ से जो है काफ़ी सही व्यू दिखता है माउंटेन के ऊपर से। बाकी एक बार देखते हैं वहाँ पे उस एरिया में जो है लैंड अवेलेबल भी है या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊँ, फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ 37 नंबर पे, और मैं यहाँ से इधर से बाहर निकल के जाऊँगा और ये वाला रास्ता यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये वाली जगह है वो जहाँ पे 20-21 नंबर फील्ड है। तो मैं अगर इसका देखूँ 20 नंबर का, तो ये मुझे मिलेगा 2,42,000 में। इस साइड तो रेट काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं इतने इस साइज़ का। अगर इस साइड देखें अपने फार्म के पास तो 7 या 8 लाख यूरो का आता है, और ये भी 2,71,000 का। मैं दोनों ही परचेज कर सकता हूँ, और ये वाला 18,377 का, और ये 114 का। एक काम करता हूँ 20 वाले को तो परचेज ही कर लेता हूँ, और 21 को ही परचेज कर लेता हूँ, और इसके अलावा 18 को भी परचेज कर लेता हूँ। तो ये तीन मैंने परचेज कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि इन फील्ड में लगा हुआ क्या है। तो एक काम करता हूँ मैं ट्रैक्टर लेके चलता हूँ, ट्रैक्टर में कल्टीवेटर मेरे पास है ही, तो अगर ये खेत को रेडी करना होगा तो मैं कल्टीवेटर से रेडी कर लूँगा। तो इस वाली गाड़ी को तो यहीं छोड़ते हैं, और ये JCB वाला ट्रैक्टर है इसको लेके चलते हैं। इसमें मैंने बड़े वाला कल्टीवेटर लगा रखा है, और एक बार मैं देख लूँ ये कल्टीवेटर है कौन सा। लास्ट वीडियो में जब मैं नए वाले फार्म पे था कामसन वाले पे, तो वहाँ पे अपना कल्टीवेटर काम नहीं कर रहा था, तो मुझे बाद में पता चला कि कल्टीवेटर भी दो तरह के आते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कल्टीवेटर कौन कौन से होते हैं। एक तो ये होते हैं नॉर्मल कल्टीवेटर, और एक होते हैं शैलो कल्टीवेटर। तो शैलो कल्टीवेटर जो है खाली ऊपर ऊपर से कल्टीवेट करता है, इतना डीप नहीं करता। तो अगर कोई भी फसल वहाँ लगी हुई है तो वो खेत में रह जाती है, नेक्स्ट क्रॉप नहीं लगा पाते, जैसा पिछली वाली वीडियो में कामसन वाली में हुआ था। और अगर वहीं पर मैंने नॉर्मल कल्टीवेटर यूज़ किया होता तो उसने एक बार में मिट्टी जो है रेडी कर दी होती नेक्स्ट सीड लगाने के लिए। तो अभी ये वेक्टर 720 है, ये नॉर्मल कल्टीवेटर है, और ये यहाँ से जितने कल्टीवेटर आगे वाले हैं ये शैलो कल्टीवेटर है। तो शैलो कल्टीवेटर यूज़ नहीं करने, नॉर्मल कल्टीवेटर यूज़ करना है। और अभी मैं देख लूँ अभी है कौन सा कल्टीवेटर। वैसे ये नॉर्मल वाला ही लग रहा है, शैलो वाला तो नहीं है। शैलो वाला ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल ही है। हाँ ये है वेक्टर, हाँ वेक्टर। मॉडल नंबर कहाँ लिखा हुआ है इसका, मॉडल नंबर भी तो लिखा होगा कहीं पे। वैसे मैंने यूज़ तो किया है इसी खेत के अंदर, तो नॉर्मल वाला ही है। ये JCB का ट्रैक्टर पूरा का पूरा गंदा हो रखा है, बट ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा सही है, और इसे मैंने काफ़ी यूज़ किया है। ये सारा का सारा गंदा इसी खेत में हुआ है, तो मैंने इस खेत को इसी ट्रैक्टर से कल्टीवेट किया है। बाकी अंदर से भी दिखाता हूँ, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा सही है। एक मिनट आगे भी देख लूँ, गाड़ी वाले टक्कर मार देते हैं। और यहाँ पे जो है ऐसा सीन होता है कि अगर ट्रैक्टर और गाड़ी की टक्कर हो तो ट्रैक्टर ही उड़ के गिरता है, गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के कंट्रोल नहीं है, इसमें सारे के सारे इधर मैनुअल टाइप के से कंट्रोल है, और ये सारे के सारे बटन है यहाँ पे, और इधर एक सीट भी है बैठने के लिए। बाकी पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है, वो मुझे शीशे में ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना वो रोड से नीचे उतर जाए। और ये सामने गाड़ियों पे भी ध्यान देना है, तो वो लेफ्ट वाले शीशे में मेरे को दिख रहा है वहाँ पे, तो अपनी लाइन से इस साइड ही है। बाकी यहाँ पे चर्च है, कोई चर्च की आवाज़ आ रही है बैल की, आवाज़ तो आ रही है। ऊपर है चर्च वाली वहाँ पे माउंटेन के, वहाँ तक जाने का रास्ता भी तो होगा। एक मिनट ये बाद में ट्राई करेंगे, उन वाले खेतों पे चलता हूँ, वाले खेत वहाँ पे ऊपर की तरफ ही है माउंटेन पे। तो यहाँ से राइट लेके वो वाला एरिया शुरू हो जाएगा जहाँ पे मैंने अभी तीन खेत परचेज किए हैं, और यहाँ पे ऊपर बैलून वगैरह उड़ते रहते हैं ये, और ये इस साइड ही उड़ते हैं, दिखते तो अपने फार्म के वहाँ से ही हैं। और ये वाला अपना पहला खेत है जो मैंने परचेज किया है, यही वाला है वैसे। एक मिनट इसको देख लेते हैं ये कौन से वाला खेत है। नहीं ये वाला खेत नहीं है, तो 30 नंबर का खेत है। तो ये मुझे सारे ही खेत परचेज करने थे इस एरिया के, तो मैंने पहले इधर वाले परचेज कर लिए। तो कोई नहीं, यहाँ से सीधा इस खेत से निकल के यहाँ पहुँच जाएंगे, इधर की साइड चलते हैं। तो अभी ट्रैक्टर लेना पड़ेगा मुझे, और यहाँ से रास्ता ये रहा, इस वाले रास्ते से ही निकल लेते हैं यहाँ से। जगह तो काफ़ी ज़्यादा सही है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है माउंटेन के ऊपर है, और जो अपना अभी करंट फार्म है वो पूरा का पूरा प्लेन पे है। वो रिवर के उस साइड है और ये रिवर के इस साइड है, और ये सामने ये वाली बिल्डिंग है तो मैंने पहले दिखा रखी है। ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई रहता वहता नहीं है, और ना ये सेल होने के लिए लगी हुई है।
बाकी ये वाला खेत आ गया है, यही है शायद खेत, नहीं इससे भी आगे वाला है, मैप ओपन कर लूँ मैं, नहीं इससे भी आगे वाला ये 16 नंबर का है, ये यहाँ से रेलवे लाइन जा रही है। ओके तो ये रेलवे लाइन ऊपर से यहाँ से होके जा रही है और यहाँ से ट्रैक्टर उतारने का रास्ता है, मुझे लग तो नहीं रहा, नहीं यहाँ से नहीं उतरेगा ट्रैक्टर, थोड़ा आगे से घुमा के लेके जाना पड़ेगा, आगे से कोई रास्ता तो होगा नीचे उतरने के लिए। रोड तो आ रहा है सामने से, ये यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, इधर से कच्चा रास्ता है ये, और ये मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था तो ट्रैक्टर, ये एक मिनट इसके जो है टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा कम है ट्रैक्टर का, मैं फंसे आ गया प्लेटफॉर्म पे, अबे जल्दी निकल ट्रेन आ रही है टक्कर लगेगी, मैं फंस गया ट्रैक्टर नीचे, ये निकल ले भाई टक्कर लगेगी नहीं तो, इधर कोई भाग लेते हैं पहले, अब बच गए, ट्रेन आ ही रही थी बस सीधा टक्कर मारती इस ट्रैक्टर को उड़ा देती, अभी नुकसान जाता मेरे को, फालतू में इसको रिपेयर कराना पड़ता, और ट्रैक्टर वहाँ फंस ही गया था, वो तो जो है एंड टाइम पे निकल गया। अबे खोल दो अब ट्रेन चली गई, तो ये आ गया 17 नंबर का फील्ड और वो सामने है 18 नंबर का, 18 नंबर का अपना है, 20 भी अपना है, 21 भी अपना है, और ये अभी कल्टीवेट होके छोड़ रखा है, कोई सीड भी लगा है, कल्टीवेट हो रखा है बस, कोई सीड तो कुछ नहीं लगा हुआ इसके अंदर, एक बार सामने वाले चलता हूँ, अगर उसे कल्टीवेट करने की ज़रूरत है तो कल्टीवेट करने पर लगा देता हूँ। नहीं यहाँ पर तो कोई क्रॉप वगैरह लगी हुई है, एक मिनट देख लेते हैं क्या लगा हुआ है यहाँ पर, इधर ये क्या लगा हुआ है, एक मिनट इसका मेरे को इन्फॉर्मेशन का ओपन करना पड़ेगा। तो इसकी मैंने फील्ड इन्फो ऑन कर लिया है और इसमें कनोला लगा हुआ है और ये रेडी टू हार्वेस्ट है, और सामने वाले में क्या लगा हुआ है, इसमें तो वीट है, ये भी रेडी टू हार्वेस्ट है, तो मुझे सीधा यहाँ पे हार्वेस्टर लाना पड़ेगा और हार्वेस्टर अपना जो है एक ही काम कर लेगा, क्योंकि कनोला और वीट का हार्वेस्टर एक ही आता है और हार्वेस्टर है मेरे पास, तो अभी क्या करता हूँ, अभी ट्रैक्टर की तो रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं, कल्टीवेटर भी वहाँ पर हो रखा है, तो यार कल्टीवेटर मैंने लीज़ पे लिया हुआ था, इसको मैं वापस कहता हूँ, क्यों फालतू में इसका बिल चलाऊँ, तो ये लीज आइटम में यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा कल्टीवेटर, इसको कर देते हैं रिटर्न, और ये यार ट्रैक्टर चाहिए तो ये ट्रैक्टर तो रहने देते हैं, और बस ये ट्रैक्टर रह गया, इसको लेके चलता हूँ और इसको जाके एक बार सीडर लेके आता हूँ, क्योंकि सामने वाले खेत में सीड लगाने हैं, इसलिए खाली कल्टीवेटर रखा है, सीड नहीं लग रखे, तो अभी मैं देख लेता हूँ अगस्त में कौन सीड लगाता हूँ, अगस्त में लग सकता है कनोला ही लग सकता है अगस्त में, और हार्वेस्टिंग सीजन भी कनोला का अगस्त में ही है, और ओट लगा लेते हैं, ओट मेरे को चाहिए भी घोड़ों के लिए, क्योंकि घोड़ों का खाना भी खत्म हो रहा है, उन्हें भी डालने के लिए ओट चाहिए होगा, और ओट मैं पिक्स को भी डालता हूँ, तो ओट्स मेरे को दोनों चीज़ों के लिए चाहिए, ओट्स ही लगा लेते हैं, और अभी सीडर मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास सीडर अभी स्टोन पिकर है, सीडर तो नहीं है इस पे, यह सीडर है यहाँ पे, ये रहा सीडर, और ये छोटे वाला सीडर है, पर इससे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक बड़े वाला सीडर भी ले ही लेता हूँ और उसे सीधा जाके स्टोर से यहाँ पर ले आता हूँ, ये रहा सीडर, और इसमें सबसे बड़े वाला सीडर जो है वो ये सबसे बड़े वाला है, इसकी 3 मीटर का है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसे ओट भी लग सकता है और कनोला भी लग सकता है, तो ये वाला लेते हैं, वैसे है तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा, बट ये वाला खेत भी बड़ा है, तो इसी को लेके आता हूँ, कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा करेगा बट खेत भी बड़ा है तो प्रोडक्शन भी अच्छी खासी ही होगी, तो मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा, और इसके लिए सीड भी लेने हैं वैसे अभी, तो दो लेते हैं, दो सफिशियंट रहेगा, वैसे तो उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है बट दो में अपना काम हो जाएगा इस वाले खेत का, ठीक है यही बाइक कर लिया, और अब इन्हें जाके लेके आता हूँ ज़रा मैं वहाँ से स्टोर से, ये कहाँ पहुँच गया मैं, इधर तो रोड ही ख़त्म हो गया, ये कौन से रोड पे जगह आ गई, क्या है लगा हुआ है यहाँ पे, ये लाइटें वगैरह, और ये कैसी आ रही है यहाँ पे, ओ ये नीचे है अपना पूरा पूरा जितनी भी सिटी है, और इधर स्टोर है, और जो मैं चर्च देख रहा था इसमें घंटियां बज रही थी वो चर्च से ऊपर है, तो एक बार इसका रास्ता देख के जरा चर्च पे भी हो जाते हैं ऊपर तक, ये रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, और लाइटें वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा ऊंचाई भी तो नहीं है, बस ये घूम के यहाँ से आ गया, और हिरन वगैरह यहाँ पर भी घूम रहे हैं, लाइटें वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही लगा रखी हैं, होके आते हैं चर्च भी एक बार यहाँ पर, चर्च तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ से सीढ़ियों से जाके ऊपर, ओ और भी ऊपर जाना है अभी, ये इधर की साइड, ओ यहाँ पे और भी बंदे आ रखे हैं, ये क्या यहाँ पे घूम रहे हैं, दादी अम्मा भी आई हुई हैं, हाँ देख के उतरो आराम से, ओ कितने ऊंचे पे जाना है, और
ये तो काफी ज्यादा सही है, ये तो मैंने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ पे ऐसे भी, और इधर एक कलेक्टिबल पड़ा हुआ है के, तो उठाते हैं इस कलेक्टिबल को। 50,000 यूरो मिले हैं एक सिंगल कलेक्टिबल से। ओके, तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने काफी साल पहले एक पूरा वीडियो गेम का जो स्टॉक था वो यहाँ पे जो है दबा दिया था इस एरिया के अंदर, और उसे जो है मुझे फाइंड करना है। अभी जो मैंने फाइंड किया है उस गेम का नाम है कैवर्न्स ऑफ अंडररियल्म गेम कार्ट्रिज, और 19 और है ऐसी। मतलब 50,000 यूरो मुझे एक एक गेम की कैसेट है, जो पहले गेम आया करते थे वो वाले गेम है ये। पहले टीवी पे लगा के खेला करते थे, कैसेट आती थी और उसमें काफी सारे गेम आते थे, मारियो, कॉन्ट्रा वगैरह, और वैसे ज्यादातर सबने ही खेले होंगे। और जिसने खेले हैं कमेंट करके बताना कि ऐसे कौन कौन है जिन्होंने मारियो और कॉन्ट्रा 6-6, 7-7 घंटे तक खेला है। मैं काफी खेलता था मारियो और कॉन्ट्रा, तो उसी तरह की कैसेट है और एक मिली है मुझे। इसको कैसेट ही बोलते थे उस टाइम, चिप होती थी मतलब, बट इसको कैसेट बोलते थे गेम की। और अभी जो है एक के 50,000 यूरो मिली हैं और 19 और हैं, तो उसका मतलब ये कि 9.5 लाख यूरो तो मेरे को यहाँ से और मिल सकते हैं। बस मेरे को ध्यान रखना है कि जहाँ पे मेरे को वो कैसेट दिखे उन्हें उठा लेना है, और बाकी ये चर्च के बिल्कुल मैं टॉप पे पहुँच गया हूँ यहाँ पे। और यहाँ से तो इतना ऊँचा तो है, लग तो रहा है ऊँचा, थोड़ा मैं पीछे की साइड जाऊँ और इधर आके बस ये एरिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से जो है इधर की साइड चलना है। तो एक बार पूरा चर्च एक्सप्लोर कर लेते हैं, ये तो काफ़ी सही है। और यहाँ पे ऐसी और भी चीज़ें होंगी, मैंने अभी पूरा मैप एक्सप्लोर किया नहीं है। ये यहाँ बैठने की जगह है और इधर खिड़की से दिखता है, यहाँ पे अपना फार्म भी तो दिखता होगा। मैं देखूँ, वो दिख रहा अपना सामने फार्म, वहाँ पे वो रहा, वहाँ पे जो पॉपुलर के ट्री दिख रहे हैं वो अपना फार्म है, उधर वो अपना शुगर प्रोसेसिंग यूनिट दिख रही है। तो यहाँ से तो काफ़ी सही है इधर से, और मैं बाकी इससे आगे भी तो जा सकता हूँ, वहाँ से देखता हूँ, वहाँ से शायद क्लियरली दिख जाए। और दादी तो अभी नीचे जा रही थी, ऊपर क्यों आ गई? दादी वॉक कर रही है मेरे को लगता है यहाँ पे ना। ठीक है, दादी को वॉक करने देते हैं एक बार। इधर तो मैंने देख लिया, यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता तो नहीं था, इधर तो शायद ये गेट लगा रखा है, गेट लगा हुआ है, बंद है। यहीं पे मेरे को वो गेम की कैसेट मिली थी, और इससे आगे इधर ये मेन चर्च है, इसमें भी तो अंदर जाने का रास्ता होगा। ये यहाँ से गेट क्यों लगा रखा है, ये खुलता नहीं क्या? आवाज़ तो आ रही है अंदर से, नहीं ये तो नहीं खुल रहा। और एक काम करता हूँ, इससे आगे चलता हूँ, इससे आगे भी यहाँ तक ही है। और यहाँ से तो वो दिख गया अपना फार्म सामने, और वो है वहाँ पे, एक मिनट ऊपर से दिखाता हूँ, वो है अपना फार्म वहाँ पे सामने, और ये इधर है इधर की साइड ये गाड़ियों का शोरूम, जहाँ से मुझे अभी सीडर उठा के लेके आना है, वो तो मैं भूल ही गया था, सीडर भी तो लाना था। और वैसे नीचे भी जाने का रास्ता है शायद यहाँ से, किधर से ना एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से तो नहीं है, इधर से तो रास्ता नहीं आया, इधर से देखते हैं यहाँ से दिखेगा कहीं पे। बट मेरा ट्रैक्टर तो दूसरी साइड खड़ा हुआ है, मुझे ट्रैक्टर भी तो लेना है। बट जब यहाँ पे आए हैं तो एक बार एक्सप्लोर कर ही लें। और ये क्या चीज़ है, ये लाइट का है, अच्छा ये तो बिल्कुल नीचे में आ गया। चलो यहाँ से सीधा उतरता हूँ और अपना ट्रैक्टर लेके एक बार चलता हूँ शोरूम पे, वहाँ से सीडर ला के पहले जो है खेत में सीड लगाने शुरू कर दूँ। तो ये रास्ता मेरे को लगा था अपनी शॉप पे पहुंचेगा, बट यहाँ पे चर्च पे आके रुक गया। और बाकी अभी काफ़ी चीज़ें और भी हैं, ये मैप काफ़ी बड़ा है, अभी तो मैंने एक्सप्लोर पूरा किया ही नहीं है। इधर की साइड भी ये बिल्डिंग वगैरह है, ये भी पता नहीं क्या है, इस पर भी ऊपर जाने का रास्ता है वैसे बिल्डिंग पे ना, इधर से दिख तो रहा था मेरे को। अभी फ़िलहाल तो मेरे को ये वाला रास्ता लेना है शॉप के लिए, और यहाँ से ये वाला रास्ता, और इधर तो एक घर वगैरह है, ये प्रॉपर सिटी है। और इधर की साइड में कभी आया ही नहीं, मैं यहाँ से सीधा निकल जाता था, ये जो राइट वाला रास्ता जा रहा है इससे सीधा निकल के आगे चला जाता था। और यहाँ से इधर की साइड वैसे एक रास्ता ऊपर जाने का भी है, ये भी एक्सप्लोर करेंगे अभी, एक एक करके सारी चीज़ एक्सप्लोर करनी है। ये आ गई अपनी शॉप, और अभी इस ट्रैक्टर में फ्यूल तो पूरा, फ्यूल की तो ज़रूरत नहीं है, बस सीडर को अटैच कर लेता हूँ। सीडर को अटैच करके ये जो है उसमें सीड्स फिल कर लेता हूँ, और ये सीडर इससे अटैच होगा भी? हाँ हो गया हो गया, मेरे को लगा नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सा लग रहा था, इसमें काफ़ी सारे कनेक्शन थे पाइपों के, तो इसलिए मेरे को लगा कि इसके लिए शायद दूसरी अटैचमेंट चाहिए होगी। तो अभी सीड्स फिल कर लेते हैं, और बाकी यहाँ पे अभी मैं सीड सेलेक्ट कर लेता हूँ, सीड मेरे को चाहिए अभी ओट लगाना है, तो ओट मैंने सेलेक्ट कर लिया है और पूरा फुल भर लेते हैं इसको। हो गया पूरा, और उसका ढक्कन ही बंद हो गया ऊपर का, और ये सीढ़ी ऊपर हो गई, ठीक है। और ये है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, अभी से खेत जाके अनफोल्ड करूँगा तो तब पता चलेगा इसका साइज़ कितना ज़्यादा है, 14 मीटर से ज़्यादा का है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वाइड होने वाला है ये। वैसे इस सीडर में ना सोल्ट फर्टिलाइज़र भी साथ के साथ ही आ सकता है, तो जब सीड लगा रहे होंगे तब फर्टिलाइज़र भी एक साथ ही डल जाएगा। तो एक काम करता हूँ ना, जब ये एक साथ काम हो सकता है तो मैं फर्टिलाइज़र के लिए अलग से क्यों बाद में काम करूँगा, अभी इसमें सोल्ट फर्टिलाइज़र लेके फिल कर ही लेता हूँ।
तो अभी इस ट्रैक्टर को तो यहाँ छोड़ो, और अभी एक सोलिड फर्टिलाइजर का बैग ले लेते हैं, एक या दो ले लेता हूँ, ये है सोलिड फर्टिलाइजर और दो बैग ले लेते हैं, दो बैग सीड के हैं, दो सोलिड फर्टिलाइजर के हैं, तो काम बन जाएगा। ये आ गए यहाँ पे बैग, अब इन्हें फिल करना है। फर्टिलाइजर भरने के लिए इसका ये ढक्कन खुल जाता है, और सीड भरने के लिए भी ढक्कन खुल गया था ये वाला। दो बैग आ जाएंगे, दो बैग में कितना 66% हुआ था सीड का, तो इसका खाली 41% हुआ, मतलब फर्टिलाइजर वाली कैपेसिटी ज़्यादा है। अब लेके चलता हूँ, अब ये रेडी है सीड लगाने के लिए। और ये खेत उस साइड से सीधा है, तो जहाँ से सीधा है वहाँ से लगाना शुरू करेंगे। इधर से थोड़ा टेढ़ा है, तो यहाँ पर जो है बाद में वर्क कर गड़बड़ी कर देते हैं। जहाँ से सीधा हो वहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो एंड में जाके गड़बड़ी करेंगे, तो तब तो कोई नहीं, तब तो मैं जो है थोड़ा सा बहुत रह जाएगा उसको मैन्युअली कर लूँगा। फिलहाल तो अभी देखना भी है कि ये कवर कितना करेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अभी इसे अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं कितनी विड्थ होती है इसकी। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, 10 राउंड में पूरा का पूरा खेत जो है रेडी कर देगा सीड लगा के। वर्कर असाइन करके देखते हैं, और अभी तो सीड तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और फर्टिलाइज़र वगैरह सब इसमें ऑन हो जाएंगे। और बस एक बार यहाँ से वर्कर, अभी कौन सा फ्रूट मैंने लगा रखा है, मैंने ओट ही तो लगा रखा है, ओट तो मैं अगस्त में लगा सकता हूँ। ओ, ओट का हार्वेस्टिंग सीजन है, प्लांटिंग सीजन नहीं है अगस्त में, कनोला का है सिर्फ ना। ठीक है, ये कनोला ही लगाते हैं, इसमें क्या सीड चेंज करना है बाकी कुछ नहीं करना। और सेलेक्ट यहाँ पर अभी कनोला कर लिया, बस हो गया। बस इसको स्टार्ट कर देते हैं। बाकी इस खेत में पत्थर काफ़ी सारे हैं, पर पत्थरों से ऐसा कोई प्रोडक्शन पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर पत्थर उठाने होंगे तो वैसे इतने सारे पत्थर है मैं उठा सकता हूँ, मेरे पास मशीन है वो सारे पत्थर उठा लेगी। उसे बाद में मैं क्रशर जोन पे डाल सकता हूँ, वहाँ पे जो है उसका अमाउंट मिल जाता है, ज़्यादा तो नहीं मिलता बट हाँ थोड़ा बहुत मिल जाता है, 7-8 हज़ार यूरो के आसपास। बाकी इसको मैं भी काम करने देता हूँ, यहाँ तो वर्कर असाइन कर रखा है, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहेंगे इसको। तो दीदी चला रही हैं ट्रैक्टर, चलो ठीक है, दीदी ने पहले भी काम किया, सही काम करती हैं। और बाकी अभी चलते हैं एक बार शोरूम पे, वहाँ पे जो है पहले मैं एक नई कार परचेज कर लूँ, क्योंकि अभी अमाउंट है मेरे पास एक कार परचेज करने के लिए। अब तो मैं 3-3 नए खेत परचेज कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे सीड लगाने के बाद जो अपना एक खेत है, जो अभी पुराने खेतों में से एक ही बचा है, उसमें भी सीड लगाना है, उसमें भी सेम ये कनोला ही लगा देंगे। और बाकी एक और चीज़ थी कि अब जल्दी 50,000 पे पहुंचने वाले हैं, और जिस दिन 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं Q&A वीडियो रिलीज करूंगा। तो अभी से जो भी क्वेश्चन आएंगे कमेंट्स में वो सबको जो है मैं Q&A वीडियो में लेने वाला हूं। तो कमेंट में अभी से अपने क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ Q&A वाली वीडियो 50,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं रिलीज कर दूंगा। बाकी अगर सबका साथ रहा तो 50,000 की कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी हो जाएंगे। फिलहाल अभी शोरूम पे जल्दी से मैं पहुंच जाता हूँ, एक गाड़ी ले लेता हूँ शोरूम पे चल के। तो अभी मैंने नई गाड़ियाँ जो ऐड की है ना, उसमें नई गाड़ियों में ये सब तो मैं दिखा चुका हूँ, इधर की भी हो चुकी हैं। एक तो ये कॉन्टिनेंटल आई है ये वाली, ये काफ़ी विंटेज टाइप की गाड़ी है, बट देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा तो अभी यहाँ पे एक ये वाली थी फोर्ड वाली, ये इतनी खास नहीं लग रही मेरे को जो सबसे ज़्यादा खास लगी वो मेरे को ये वाली लगी। और बाकी ये वैन वगैरह है, और ये सारी सारी गाड़ियाँ तो मैं ले ही चुका हूँ दूसरे फार्म पे। और अब देखता हूँ कुछ और गाड़ियाँ अगर बाद में आएंगी तो मैं उन्हें भी ऐड करूँगा। और या फिर किसी को कोई गाड़ी चाहिए प्रॉपर की, वो वाली गाड़ी गेम के अंदर देखनी है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि वाली गाड़ी गेम में ऐड करके मैं बाय कर सकूँ। बाकी फिलहाल तो ये लग रही है काफ़ी ज़्यादा सही। इसका मेन कलर चेंज करके देख लेते हैं, मेन कलर इसमें क्रिम्सन रेड, रेड तो इसका काफ़ी डल सा है, इसका इतना सही क्यों नहीं लग रहा। इसका शायद ये मैट फिनिश में है, इतना नहीं है, ये ऑनिक्स ब्लैक ये भी नहीं, इसका कलर थोड़ा मैट फिनिश में ही है, इतना सही नहीं है। और कोई देख लेते हैं, यही कलर ठीक लग रहा है। और इंजन सेटअप में इसमें क्या चेंज होता है, इसकी पावर 300 हॉर्स पावर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, 200 हॉर्स पावर स्टैंडर्ड इंजन के साथ है, अपग्रेड करेंगे तो टर्बो वाला इंजन आ जाएगा। टर्बो में ये बोनट पे ये यहाँ पे स्कूप्स आ गए एयर के लिए, ये टर्बो के इंटेक यहाँ पे आ गया और 300 हॉर्स पावर पावर हो गई है। और ये अटैचर क्या है, ट्रेलर हिच, ट्रेलर भी जुड़ सकता है इसे, तो लगाते हैं। ठीक है, ट्रेलर हिच होगा तो अपने किसी न किसी काम में आ ही जाएगी। इंटीरियर में क्या क्या है, अच्छा ये लिजार्ड का स्टैचू, FS हैट, फैन सही है, अंदर छोटा फैन लगाते हैं, इन गाड़ियों में AC वेसी नहीं आता था शायद उस टाइम ना। फ्रंट में ये बम्पर, ये कैसा बम्पर है, ये स्टैंडर्ड, ये बम्पर, ये स्टैंडर्ड ही ठीक लग रहा है, बम्पर की तो जरूरत नहीं है। ग्रे कलर ले लेते हैं, ग्रे ठीक लगेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, 40,800 यूरो की है, बस को तो सीधा बाय करेंगे तो अपने कलेक्शन में रखेंगे इस गाड़ी को, ऑटोमेटिक है वैसे भी है। और ये भी अपनी नई गाड़ी, और देखने में तो सही लग रही है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी ओल्ड स्टाइल है बट है तो सही।
और अंदर से तो इसकी सीट वही वाली है प्रॉपर, जो सिंगल सीट होती है आगे और पीछे भी, और इंटीरियर भी देख लेंगे। और वैसे बैठ के इसमें काफ़ी सही लुक आ रही है, उसका फ़ैन चल रहा है अंदर वाला। ओह ये फ़ैन जो लगवाया एक्सेसरी में, ये है वो फ़ैन। मैंने कहा था ना इसमें एसी वगैरह नहीं आते, और ये सारा वुड का है, और इंटीरियर वगैरह तो ठीक है उस टाइम के हिसाब से, सामने एक रेडियो वगैरह लगी हुई है, बट ये फ़ैन सबसे ज़्यादा सही है। और अब इस गाड़ी को लेके चलते हैं वहीं पे जहाँ पे अपना ट्रैक्टर काम कर रहा है, अभी सीट लगा रहा है उधर, क्योंकि देखना पड़ेगा। 300 हॉर्स पावर के हिसाब से पावर तो नहीं आ रही इसमें, मे बी शायद इनिशियली थोड़ा पिकअप कम हो, बाद में पावर आ जाए। और ये वाइड कितनी ज़्यादा है गाड़ी, हाँ इनिशियली थोड़ा सा लैग है बट बाद में स्पीड थोड़ा सा पकड़ रही है। अंदर चलाने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, और इसका बोनट काफ़ी उठा हुआ है वैसे, मतलब जो सीटिंग पोजीशन है उसके हिसाब से बोनट थोड़ा ऊंचा है। ओ भाई देख के नई गाड़ी आराम से निकाल ले, टच मत कर दियो। एक तो इसका इतना मुश्किल से पेंट चूज हुआ है, उसमें भी स्क्रैच वगैरह लग गई तो फालतू में दोबारा पेंट कराया काम बढ़ जाएगा। अपने खेत के पास तो मैं आ ही गया, यहाँ से बाहर का व्यू कर लेते हैं। इसने काम कर भी दिया ट्रैक्टर में, आधे से ज़्यादा खेत पे शायद सीड लगा भी चुका है। और इस गाड़ी को यहाँ खड़ा करते हैं, थोड़ा सा आगे करता हूँ, यहाँ तो ट्रैक्टर अभी आएगा। हाँ इसने आधे खेत का काम कंप्लीट कर दिया है, फिलहाल ये गाड़ी लग रही है काफ़ी ज़्यादा सही। तो अभी मैं वेट करता हूँ इस खेत में सीड लगने के बाद, दूसरे वाले खेत में चल के वहाँ जाके सीड लगाएंगे, उसके बाद जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं वो कंप्लीट करूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर हार्वेस्टिंग करेंगे खेतों की, और बाकी और भी गाड़ियाँ लेंगे क्योंकि अब बैलेंस अच्छा खासा आ रहा है, और मैंने गैराज बड़ा बनाया है तो मुझे गैराज में काफ़ी सारी गाड़ियाँ रखनी भी हैं। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।